श्रीकाल मेरी ऑल डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सर। मैं हूँ शिल्पा सूरी और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो आप उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके लिए आज की वीडियो जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि बाल झड़ने के और भी कौन कौन से कारण हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला कारण है कि आपको शैम्पू बार बार चेंज नहीं करने हैं। हाँ, आप शैम्पू चेंज कर सकते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है कि एक वीक आपने कोई और लगाया, नेक्स्ट वीक आपने कोई और। आपको एक ही शैम्पू रखना है, एक ही कंडीशनर रखना है जो आपके बालों को सूट करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको अपने बालों को ज्यादा ड्राई नहीं रखना है। आप ऑयल वीक में दो बार ऑयल जरूर अप्लाई कीजिए, हेयर वॉश भी दो बार जरूर कीजिए। तो आपको इस ऑयल को रात को अप्लाई करना है। आप एज इट इज सो जाइए और सुबह अपना हेयर वॉश कीजिए। अगर आप दिन में भी अप्लाई कर रहे हैं तो आप 2-3 घंटे इसे रखिए, बाद में हेयर वॉश कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, इस ऑयल को बनाने के लिए हमें जस्ट कोकोनट ऑयल चाहिए और एक प्याज चाहिए। प्याज को हमें ग्राइंड करना है। मैंने यहाँ पे एक ही प्याज लिया है, इसे मैंने अपने बालों पे अप्लाई करना है। मैंने एक दिन के लिए ही इसे बनाया है क्योंकि समर है तो बहुत जल्दी प्याज की स्मेल आने लग जाती है। इसे बनाने के लिए जस्ट 2 मिनट्स ही लगते हैं, इसीलिए अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही बनाइए। इसे स्टोर करके मत रखिए, नहीं तो प्याज की स्मेल आने लग जाती है। अब मुझे इसमें से प्याज का रस निकाल लेना है। आप एक स्पून की हेल्प से इसे अच्छी तरह से दबा के इसमें से प्याज का रस निकालना है। अब हमने इसमें कोकोनट ऑयल ऐड करना है। जितना आपके बालों में लगेगा आप जस्ट उतना ही ऑयल ऐड कीजिए। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे बालों पे अप्लाई कैसे करना है। सिंपल, जैसे आप अपने बालों पे ऑयल अप्लाई करते हो आपको वैसे ही ऑयल अप्लाई करना है। अपनी फिंगर की हेल्प से अपनी स्कैल्प पे अच्छी तरह से ऑयल को अप्लाई कीजिए। फ्रेंड्स, इसमें जो हमने प्याज ऐड किया उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, जो हमारे बालों की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सभी को सॉल्व करता है। प्याज में सल्फर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे बालों में जो इन्फेक्शन भी हुई थी उसे भी दूर करता है, जिसके कारण हमारे बाल टूटने लग जाते हैं। आप इसे 1 मंथ रेगुलर यूज़ करके देखिए, आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फ्रेंड्स, 1-2 बार लगाने से कुछ भी नहीं होगा, आपको इसे रेगुलर बेस पे यूज़ करना है। 1 मंथ इसे रेगुलर यूज़ करके देखिए, आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं पर्सनली इसे यूज़ करती हूँ। मेरे बाल बचपन से ही पतले हैं, सिल्की हैं, इसलिए मैं अपने बालों को जस्ट स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने के लिए इस ऑयल को अप्लाई करती हूँ। इससे आपकी जितनी भी हेयर की प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसे बस जस्ट आपको इसे रेगुलर बेस पे यूज़ करना है। अपनी लेंथ पे इसे अच्छी तरह से अप्लाई कीजिए। आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दो तीन घंटे इसे लगा कर रखिए। मैंने दिन में अप्लाई किया था। मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक लिए बाय।